हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि HDFC स्वयं मशीन से रुपए कैसे निकाले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने HDFC में बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया था, करंट अकाउंट। तो हमें यहां पे मिली है HDFC बैंक के तरफ से स्वयं मशीन, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज इसका हमें नहीं देना पड़ा है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है और इससे कैसे पैसे निकाले जाते हैं और अपने बैंक अकाउंट में कैसे सेटलमेंट किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और अगर आप भी अपने दुकान या शॉप पे HDFC की स्वयं मशीन लगाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्रोसेस कुछ नहीं है, बस आपको HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। हमारा अकाउंट करंट अकाउंट था इसलिए मिला है, या आप सेविंग अकाउंट में भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो ये तो आपको बैंक के तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, लेकिन इसका जो चार्ज है महीने में 500 रुपये चार्ज आपको हर महीने इसका पे करना पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इसका जो QR कोड आपको मिलेगा इसके साथ में, जब आपको मशीन दी जाएगी तो इसके साथ में एक QR कोड आपको दिया जाएगा। अगर उस पर आप महीने में 1,00,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यानी 1,00,000 रुपये का QR कोड द्वारा आप पेमेंट लेते हैं किसी कस्टमर से, तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, ये मशीन आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर हर महीने आप 1,00,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं QR कोड द्वारा अपने HDFC बैंक के अकाउंट में लेते हैं, तो आपको कोई चार्ज इसका नहीं देना पड़ेगा। जो पैसा आपका, यानी कि जो आपका इसका चार्ज कटेगा 500 रुपये महीने, वो आपको 3 महीने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन जब QR कोड पे आप 1,00,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हर मंथ करेंगे तो वो पैसा आपका कट जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। तो आप लगवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी HDFC बैंक से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और आपको ये मशीन मिलेगी फ्री। अगर इस मशीन की कीमत देखी जाए तो 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में होगी, और इसमें एक सिम भी लगता है जिसका रिचार्ज वगैरह बैंक द्वारा किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यूज करिए और इसको चलाइए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हम ओपन करके देखें। और यहाँ पे इस मशीन को हमने पहले ही ओपन कर लिया था, क्योंकि दुकान पे हमारे जब आया था तो इसको हम अपने घर पे लेकर आए हैं। और यहाँ पे तो इसके साथ में आपको चार्जर वगैरह भी दिया जाता है, और इसके साथ में जो आपको यहाँ नीचे जो पैसे आप निकालेंगे और उसकी रिसीविंग वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से इसकी रिसीविंग भी आपको निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा काम इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा अगर कोई पैसा निकालता है, कोई प्रॉब्लम पड़ती है, तो आप बैंक द्वारा संपर्क करके इसका जो कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग करता है जब आप पैसा निकालते हैं। और इसका बैक साइड में भी आपको एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है। तो जब पैसा आप किसी कस्टमर का निकालते हैं और वो अपना ऐसे सामने करके जब आपको अपना, यानी कि ATM पिन जब आप वो दर्ज करते हैं, तो उनका फोटो वगैरह वीडियो सुधा इसमें आ जाता है। तो अब इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे एक चार्जर आपको चार्जिंग लगाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, कम से कम 30 सेकेंड लग जाते हैं ओपन होने में। तो ओपन होने के बाद में इसमें आपको अब कार्ड अगर लगाना चाहते हैं तो कार्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपका जो चिप है, चिप वाला कार्ड आपको सीधा इसी में ऐसे लगाना है। तो ये ओपन हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि इससे पैसा कैसे निकाला जाता है। और ये मशीन हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है और रेडी है। तो हमें अब यहाँ पे पेमेंट निकालने के लिए, किसी कस्टमर का मान लीजिए आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे आपको ओके करना है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल, तो एक बार फिर से बैक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे आपको ओके करना है। तो इसमें भी आपको आवाज़ यानी देखने को मिल जाएगी, ये बोलती भी है मशीन जो आप पैसा वगैरह निकालेंगे। तो जैसे हमें निकालना है यहाँ पे 100 रुपये, जैसे 100 रुपये हम निकाल के देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया 100 रुपये। उसके बाद में अब यह क्या करेंगे हम, यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे, यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो हमने ओके कर दिया, तो अब यहाँ पे मशीन बोल रहे हैं प्लीज यूज योर कार्ड। तो हमें कार्ड लगाने के लिए क्या करना है, देखिए कार्ड जो आपकी चिप होती है, चिप, तो उसको आपको इस प्रकार ऐसे लगाना है मशीन में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे
लगा दिए हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लग गए। और अभी उस तो अब यहाँ पे मांगा जा रहा है प्लीज़ इंटर योर पिन, क्योंकि ये वीडियो हम मोबाइल द्वारा बना रहे हैं तो इसमें कभी कभी क्या होता है जब लाइट आती है तो सफ़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ये मांग रहा है प्लीज़ इंटर योर पिन। तो हमें क्या करना है, अपना जो हमारा एटीएम का पिन है वो पिन हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे पिन हम यहाँ पर पहले एक बार दर्ज कर लेते हैं। पिन दर्ज करने के बाद में आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे प्लीज़ योर रिमूव कार्ड, यानी कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट योर कस्टमर कॉपी, यहाँ पे हमने 100 रुपये इस एटीएम द्वारा यहाँ पे निकाला है। तो अब यहाँ पे रिसीविंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसीविंग यहाँ से निकल आई है यहाँ पे ये। तो इसको आप यहाँ से फाड़ के और कस्टमर को भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं ये रिसीविंग। तो यहाँ पे पैसा हमारा ये एटीएम द्वारा जो निकाला हमने यहाँ पे 100 रुपये निकाला है, तो ये 100 रुपये हमारे निकल चुके हैं। अब इसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम पहले नो के ऑप्शन पे हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ रिमूव योर कार्ड, यानी रिमूव योर कार्ड। तो इस कार्ड को यहाँ से हम करते हैं निकाल लेते हैं, कार्ड हमने निकाल लिया है। अब इस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके अकाउंट में आएगा। और वो कब आएगा, कल सुबह तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। हो सकता है कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, लेकिन इसमें 24 घंटे लग जाते हैं। तो अब इसको हम सेटलमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है 3 लाइन पे। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया और अब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के ऑप्शन पे हमें क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 100 रुपये हमने निकाला है यहाँ पे 10/5/2023 को, तो यहाँ पे हमारा ये शो कर रहा है। और अब इसको हम सेटलमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक सेटलमेंट का यहाँ पे ऑप्शन। तो अब यहाँ पे इस समय आ नहीं रहा, आ गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं सेटलमेंट। तो अब यह क्या करना है, इसी पे हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पे यस मांग रहा है, पूछ रहा है कि आप करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस के ऑप्शन पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओके और यहाँ पे रिसीविंग भी निकाल के देगा ये। तो सेटलमेंट सक्सेसफुल। तो ये है HDFC बैंक का स्वयं मशीन चलाने का प्रोसेस, और आप इसी प्रकार पैसा निकाल सकते हैं। किसी कस्टमर का रिसीविंग भी आपने आपको मिल जाएगी इसी प्रकार की। तो ISO की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका सपोर्ट करें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।